बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ खुद तो अपने एक्शन से लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन वह खुद भी एक्शन फिल्मों के बड़े फैन हैं। इसका इशारा उन्होंने खुद अपने ही ट्वीट के जरिए दिया। दरअसल कुछ वक्त पहले ही टाइगर श्रॉफ की मूवी बागी 2 रिलीज हुई थी और इस फिल्म में उनके एक्शन ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, उनकी फिल्म हीरोपंती में भी उनके एक्शन से दर्शकों को काफी ज्यादा उत्साहित किया था और उन्हें काफी पसंद किया था। लेकिन खुद टाइगर श्रॉफ हॉलीवुड मार्वल के एक्शन के दीवाने हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट करते हुए इसका सबूत भी दिया। दरअसल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 27 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म को लेकर युवाओं में काफी क्रेज है। इसी बीच ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म का प्रीमियर देखा और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए दी। अपने ट्वीट में तरण आदर्श ने लिखा, मैं अभी बेहद प्रत्याशित फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देख रहा हूँ। इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए टाइगर ने तरण से सवाल किया, कैसे सर लक्की? वहीं आपको बता दें कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 27 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इस मूवी की एडवांस बुकिंग को भी वक्त से पहले शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद अब तक इस मूवी की ज्यादातर शोज की टिकट बिक चुकी है और सिर्फ शुक्रवार ही नहीं बल्कि पूरे वीकेंड के लिए एवेंजर्स के ज्यादातर शोज हाउसफुल हो चुके हैं। बता दें कि पिछले 10 सालों में मार्वल की 18 फिल्में आ चुकी हैं, जिसमें से कई बार कहानी आगे बढ़ी है तो कुछ कहानियों का अंत हुआ है। अब दर्शक यह जानने के लिए बेताब है कि फिल्म में आगे क्या मोड़ आने वाला है। फिल्म के लिए दर्शकों के बीच काफी क्रेज है और कहा जा सकता है कि रिलीज से पहले ही यह भारत में कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि ये मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।